Roshan Packages Limited, the fastest growing business group and leading name in corrugation and flexible packaging in Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नो प्लास्टिक्स की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेजबान सऊद जफर। आज हम बात करेंगे फरीद अहमद वावड़ा साहब से, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एफएवी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। एफएवी ग्रुप 1984 में कायम किया गया था और मुल्क में इस वक्त एक ब्रांड नेम है टेक्सटाइल्स की सनत को मयारी डाइज और केमिकल्स फराहम करने में। वावड़ा ग्रुप ने अपने कारोबार को पिछले 30 सालों के दौरान बड़े पैमाने पर वसी किया और नित नए डिविजन का इजाफा किया, जिसमें मास्टर बैच, पिगमेंट इमल्शन और पिगमेंट पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। इसके अलावा एफएवी प्लास्टिक को मुल्क में प्लास्टिक फिलर और मास्टर बैचेस मैन्युफैक्चर करने वाली अव्वल दर्जे की कंपनी होने का एजाज भी रखती है। आज फरीद साहब से कुछ बातचीत करते हैं, खासतौर पर प्लास्टिक एप्लीकेशंस और मास्टर बैचेस की सनत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। गुफ्तगू का आगाज करते हैं, कुछ सवालात हैं आज हमारे पास आपके लिए। सबसे पहला तो ये सवाल कि प्लास्टिक की एप्लीकेशंस कई तरह की शक्लों में मुमकिन है, यानी वर्सिटैलिटी मौजूद है इस प्लास्टिक में। हमें बताइएगा कि मास्टर बैच का क्या रोल है और इसकी क्या जरूरत पड़ती है, और मुल्क में किन किन तरह की एप्लीकेशंस वाली कंपनी को आपकी कंपनी एफएवी ग्रुप खिदमात फराहम कर रही है। सबसे पहले तो मास्टर बैच जो है वो एक कलरिंग कंपाउंड है। इससे अगर हम यूं कह के पहले जो है लोग मास्टर बैच जब नहीं था तो लोग पिगमेंट पाउडर यूज करते थे, लेकिन उससे कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। तो मास्टर बैच का सबसे अच्छा, सबसे बेनिफिशियल चीज़ ये है कि एक तो एनवायरनमेंट बहुत साफ सुथरा रहता है और जो कलर आपका डिजायर्ड है वो आप आज जो आप बना रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी है। खास तौर पे जैसे कि आप बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कोक का कैप है या पेप्सी है, जिस तरह के मतलब कैप्स एंड क्लोजर्स में आप देखते हैं कि उसमें उन्हें बहुत ज्यादा कलर कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, तो वो मास्टर बैच से ही पॉसिबल है। वो और किसी तरह से उनको उस चीज में उसका बेनिफिट और एडवांटेज नहीं मिलता जो मास्टर बैच से मिलता है। और आपका दूसरा ये सवाल था कि हम किस किस डिफरेंट सेगमेंट्स में प्लास्टिक को हम सर्व कर रहे हैं जी। तो पैकेजिंग, ऑटोमोटिव, होम अप्लायंसेस, एफएमसीजी, नॉन वोवन, स्पन बॉन्ड, वोवन कैप्स, क्लोजर्स, कंस्ट्रक्शन, फाइबर, फार्मा एंड अदर्स, डिपेंडिंग के कस्टमर्स की एप्लीकेशन कोई आ जाती है कभी किसी और चीज के लिए भी मास्टर बैच में, तो हम वहां भी इसको उनको भी सर्व कर देते हैं। अच्छा फरीद साहब, जैसा कि हम जानते हैं रंगों की वजह से हम अट्रैक्ट होते हैं हर चीज में, और कोई भी प्रोडक्ट हो वो कोई मखसूस रंग की वजह से मुनफरिद नजर आने लग जाती है, और फिर अगर पैकेजिंग की बात की जाए तो पैकेजिंग से और भी निखार पैदा हो जाता है। मास्टर बैच की और कोई खसूसियात ऐसी हैं जो आप हमें बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को? इसमें सबसे एक तो मैंने आपसे जैसे अर्ज किया कि शाइनिंग आपको पिगमेंट से नहीं मिलता, क्योंकि हम मास्टर बैच जब बनाते हैं पिगमेंट्स का कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेटेड कलर होता है पिगमेंट, बट उसके साथ बहुत सारे और इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो है उसमें एक तो लुब्रिकेशन की वजह से उसमें स्मूथनेस होती है, प्लस ये कि शाइनिंग आता है प्रोडक्ट में। और आजकल जैसे कि हम प्लास्टिक के अंदर वुड इफेक्ट मास्टर बैच भी बनाते हैं कि आपको लुक इट लुक लाइक्स अ वुड बट होता मास्टर बैच है। सही। इसी तरह आपके मार्बल इफेक्ट आता है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, आजकल बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स जो है प्लास्टिक बट आप जब उसको दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा मेटल है। आपकी लोकल कंपनी है, यकीनन आपको जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज, उनकी तरफ से मुकाबले का सामना रहता होगा, किस तरह से मैनेज करते हैं खास तौर पर क्वालिटी और प्राइसिंग की मद में? देखिए मशीनरी हमने सब जर्मन से ली थी, टेक्नोलॉजी हमने जर्मनी से एक्वायर की, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी पाकिस्तान जो ऑपरेट कर रही है उन्होंने भी जर्मन लैब नहीं लगाई, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लैब आपकी कंपनी का बैकबोन है। सही। दूसरा सर्विसेज ऑन टाइम विथ
प्राइस डेफिनेटली आज जो है, हम जब कंपेयर कर रहे होते अपने प्रोडक्ट को, तो क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, सर्विसेज और इकोनॉमी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कस्टमर का एडवांटेज जो है वो इसी में उसको मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये खुशी है कि मैंने 2011 में प्रोडक्शन शुरू किया था और आज हम प्रोडक्शन अपनी बढ़ाए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस साल उम्मीद करते हैं कि शायद हमारी ग्रोथ 45+। तो आज यूनिलीवर, पहले हमसे एक आज यूनिलीवर के जितने प्रोडक्ट पाकिस्तान में बन रहे हैं उनका टोटल मास्टर बैच हमसे जाता है। रिसेंटली पीएनजी ने भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। कोविड की वजह से हम थोड़ा डिले हैं, कोलगेट के साथ भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा वो है। उसके अलावा होम अप्लायंसेस के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, कैनवुड है पाकिस्तान की एक अच्छी कंपनी है, उनका टोटल हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। पाइप इंडस्ट्रीज है प्लास्टिक में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, हमारा बहुत छोटा सेगमेंट है पाकिस्तान में ऑटोमोटिव का, क्योंकि ज्यादातर इम्पोर्ट है, लेकिन उसके अंदर जो भी उनका ये है उसमें हम उन्हें मास्टर बैच यहाँ से दे रहे हैं। वेरी गुड फरीद साहब, मौजूदा हालात को देखा जाए, इसमें प्लास्टिक को बड़ा ख़राब कहा जा रहा है और आए दिन हमारे मुल्क की बात की जाए वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लग जाती हैं, बैंस लग जाते हैं कि प्लास्टिक बैग्स ना खरीदे जाएं। ऐसे में किस तरह से पॉजिटिव प्लास्टिक्स को हम लाइमलाइट में ला सकते हैं, आपकी नज़र में क्या इसमें शऊर की, तालीम की कमी है, ये सबसे बड़ी वजह है या फिर कोई और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? देखिए, अगर तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसे आप रिसाइकल करके बहुत इजी यूज कर सकते हैं, जैसे पेपर भी रिसाइकल होता है, प्लास्टिक भी रिसाइकल होता है। सही। तो दुनिया कर रही है और बस थोड़ी सी जो मुझे यहाँ एक चीज़ नज़र आती है कि शॉपिंग बैग्स जो पाकिस्तान में बनते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अगर ऊपर जाते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं रहती। यहाँ कंपटीशन ऐसा है, बस वो वजन पूरा करने के लिए सस्ते में सस्ता वो करते हैं, फिलर भर भर के, तो उसका टेंसाइल और टियर स्ट्रेंथ रहता नहीं है। सही। हम अगर यहाँ मार्केट में जाते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक की चार बोतल उससे मांगते हैं तो वो कहते हैं दो रखना और वो भी दो शॉपर डाल के देता है। सही। अगर आज आप, मैं यूएस की बात करता हूँ, मैं वॉलमार्ट जाता हूँ, वॉलमार्ट में भी आपने भी देखा होगा कि आजकल जो वहां भी शॉपर है वो टेंसाइल और टियर स्ट्रेंथ बियर नहीं करता। सही। अब लोग उसको, अब ऐसे वैसे लोगों को आ जाना चाहिए आगे चल के पीपी वुवन बैग्स, जो के लोग डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे जिस तरह शॉपर को, तो वो घर आते हैं कहीं भी उसको फेंक देते हैं, उसको प्रॉपर अगर डिस्पोज किया जाए तो इसकी इकोनॉमी है, इसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है। अच्छा फरीद साहब, इंडस्ट्री के रोल के बारे में हमें बताइएगा कि अथॉरिटीज़ को और ख़ास तौर पर आवाम को किस तरह से आगाही दिलाई जाए कि प्लास्टिक्स की हमारी ज़िंदगियों में एक अहमियत है, वी कैन नेवर डिनाई देयर इम्पोर्टेंस, और इस हकीकत से हम इनकार कर ही नहीं सकते। किस तरह से हम उनको आगाही दिलाएं, किस तरह से हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हैं, मीटिंग्स अथॉरिटीज़ के साथ की जाएँ, क्या किया जाए? सर, हम सुबह उठते के साथ जब ब्रश करते हैं वो भी प्लास्टिक है। सही, बिल्कुल दुरुस्त। तो प्लास्टिक तो हर चीज में आजकल प्लास्टिक है। आप अब हर चीज आप देखें, मेटल से निकल के आज अगर प्लास्टिक के हैंडल्स भी बनने लग गए, पहले मेटल था जी, वुड को बहुत सी जगह से प्लास्टिक ने रिप्लेस कर दिया, और आजकल बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक में पीवीसी बोर्ड बना रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैमिली ऑफ प्लास्टिक। इन फ्यूचर आप यू देखेंगे प्लास्टिक की ग्रोथ जो हुई है साउथ ईस्ट एशिया में, वो एक बहुत अच्छा नंबर है इसका, मतलब बहुत वाज़े डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, सोशल प्लास्टिक्स, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस और इस तरह की दीगर इस्तेलाहात आजकल इस्तेमाल हो रही हैं, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी दीगर दुनिया के मालिक की तरह कुछ इन बातों पर अमल दरामद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है और करना भी चाहिए, और थोड़ी सी गवर्नमेंट को भी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और
चूंकि हमारे जो इंडस्ट्री है, आपको पता जिस कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान में खास तौर पे अगर मैं देखता हूँ, लोग प्लास्टिक यूज करके प्रॉपर उसको डिस्पोज नहीं करते. तो एक तो ये है कि इसको प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए, प्लस ये दोबारा इसको रिसाइकल होके आना चाहिए. इसके अंदर गवर्नमेंट का अपना एक बहुत बड़ा रोल है. मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी एक कंपेन करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जब वो ऐड करते हैं तो इसके ऊपर भी उनको इनको तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है. आखिर में नो प्लास्टिक्स के इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे, किस तरह से हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड? मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के ये बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, और इससे डेफिनेटली इंडस्ट्री वालों को सबको समझने को कुछ मिलता है, समझ में आता है हमें बहुत सी चीज़ों के ऊपर जब डिस्कस होता है इस ओपन फोरम में. और आप बहुत सारे लोगों से आपने डिस्कस किया होगा, लोगों की आपने जब ये गैदर की इंफॉर्मेशन, तो आपको, और मैं ये समझता हूँ कि नो प्लास्टिक से डेफिनेटली एक मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके साथ, बट मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपके अप्रोच से. और यही चीज़ें हैं जिससे कि हम थोड़ा थोड़ा करके भी अगर लोगों को अवेयरनेस देंगे तो इस इंडस्ट्री को बहुत फायदा है. और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है, जिसके लिए मैं आपको मुबारकबाद दे देता हूँ. थैंक यू सो मच सर, आज बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है आपके साथ, और जैसे आपने कहा कि आज आपका पहला मौका था, आगे भी आपको मौका मिलेगा. आप ही इंडस्ट्री लीडर्स की वजह से ये चैनल चल रहा है, और आप लोगों की जो एक्सपीरियंसेस जो आप लोग शेयर करते हैं, उससे पब्लिक को और हमारी अपनी इंडस्ट्री को भी मजीद नोहाव मिलती है. जाहिर है ये एक हमने प्लेटफॉर्म इसीलिए फराहम किया है, और यही हमारी कोशिश है. थैंक यू वेरी मच फरीद साहब. सर आप देखें, हम यहाँ पाकिस्तान से जाकर हमने जर्मनी में के फेयर में हम लोगों ने स्टॉल लगाया, इसीलिए कि हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट को देख रहे हैं. सही, अल्हम्दुलिल्लाह पिगमेंट्स हम जो बना रहे हैं टेक्सटाइल का, वो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आया ही वापस पाकिस्तान इसलिए था, मैं US सेटल था, मैं वापस इसीलिए आया था कि मैं ये सोच के आया था कि मैं इस मुल्क में आके और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज पे और इस चीज़ों पे काम करूं जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान को बेनिफिट हो और बल्कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करें, क्योंकि अब तक हम पाकिस्तान में ज़्यादातर इम्पोर्ट ही खेलते आए हैं. व्यूअर्स, आज के एपिसोड के बारे में भी हमें अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा. हमारे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें रीच कर सकते हैं, और वहाँ पे अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, और आपका फीडबैक हमें मिल भी रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत खुशआइन बात है. सऊद जफर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अल्लाह ने के वास्ते.